छोटे ठाकुर, आप चिंता मत कीजिए, हम पहचानते हैं इस लड़की को, लापतागंज में ही रहती है। अबे चिन्नू, पापा कसम वो लड़की लापतागंज में रहती है, जिसका नाम सुरीली है और हम डीपली घुस कर उसको लव करते हैं, जो तुम्हारी भाभी बनेगी बे। हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से अगर कोई लड़की हमारे खानदान के किसी लड़के को थप्पड़ मार देती है तो वो लड़का उसी लड़की से शादी करता है। अब सुरीली ने हमको थप्पड़ मारा है, इसलिए अब हम करेंगे सुरीली से शादी। पापा कसम गुरु, एक दो दिन में डीपली घुस के हमारे हाथ में लागी डिग्री आ जाएगी। वैसे भी सुरीली के बापूजी को लड्डू दे के हमने खुश कर ही लिया है। जैसी लागी डिग्री हाथ में आएगी, डीपली घुस के सुरीली से शादी करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें सुरीली से शादी करने से नहीं रोक सकती। अब हमारी शादी सुरीली के साथ होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हम शादी करेंगे तो बस सुरीली से करेंगे, नहीं तो हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। भाई, तुम लोगों को पता है हमारे महान पिताजी हमसे बहुत प्यार करते थे, और उससे ज्यादा हम पे भरोसा करते थे। अच्छा मामा, और नहीं तो क्या एलिजा? भाई हम महान पिताजी के महान बेटे जो हैं। अरे हमारे महान पिताजी के हमसे प्यार और हम पे भरोसे के कई मशहूर किस्से हैं। अच्छा मामा, तो हमें भी सुनाओ कि वो तुम पे कैसे प्यार और भरोसा करते थे। अरे चौरसिया भाई, जब भी पिताजी के गांव में मेला लगता था तो पिताजी होटल में खाना खाने जाते थे, तो हमें भी ले जाते थे और वो जम के खाते थे और हमें भी खिलाते थे, तो करते थे ना हमसे प्यार। अच्छा, तब तो बहुत प्यार करते थे, पर मामा भरोसा कैसे करते थे? अरे अलीजा भाई, देखो जब ठूस ठूस के खा लेते थे तब होटल वाला पिताजी से पैसे मांगता था, तो पिताजी के पास पैसे ही नहीं होते थे। हाँ, फिर पिताजी हमें होटल वाले के यहाँ गिरवी रख देते थे ताकि होटल वाला हमसे काम करवा के अपने पैसे वसूल कर सके। देखा, करते थे ना कितना भरोसा। अरे मामा, इसमें भरोसा करना कैसे हुआ? अरे अलीजा, तुम भी भाई कितने भोले हो तुम अलीजा। भाई पिताजी को हमारे बारे में पता था कि हम कितने निकट्टू और कामचोर हैं। उन्हें पता था कि होटल वाला कुछ ही घंटे में हमसे तंग आ जाएगा और हमें बेच देगा और हम वापस घर आ जाएंगे। उसके बाद हम और हमारे पिताजी फिर से किसी दूसरे होटल में खाना खाने जाएंगे। देखा, हुआ ना भरोसा हम पे। वाह मामा वाह, तुम और तुम्हारे पिताजी सच में बहुत ही महान थे। बिल्कुल सही कहा तुमने अलीजा। भाई हमारे महान पिताजी का एक बहुत ही मनपसंद दोहा था, वो ये था कि आज करे सो कल और कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है अलीजा भैया, अभी जीना है बरसों। अरे हाँ, अब बरसों से याद आया, बारिश आने वाली है, पुदीना अब तक नहीं आया, कब से सामान लेने गया है, महाशय का कोई पता नहीं, एक काम भी समय पर नहीं कर सकता है, एकदम ढीला और निकम्मा है। अरे वो हमरे पेड़ा, खबरदार जो हमरे भाई के बारे में बात किया टेढ़ा। अरे वो कचौरी के लिए खड़ा मसाला लेने गया है, अभी आता ही होगा। अरे लो, आता ही होगा क्या, आ गया। मामा मामा मामा। अरे एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ जो तुमने हमें तीन बार पुकारा? मामा हुआ ये कि क्या क्या कह रहे हो तुम पुदीना? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है, सुरीली ने ठाकुर भानु प्रसाद के छोटे भाई को थप्पड़ मारा। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि जिसे सुरीली भाभी ने थप्पड़ मारा वो ठाकुर साहब का छोटा भाई है? क्योंकि हम उसे पहचानते हैं। लेकिन उसने ऐसा किया क्या था कि सुरीली ने उसे थप्पड़ मार दिया? और नहीं तो क्या, जरूर उसने कोनो थप्पड़ खाने वाली हरकत की होगी, नहीं तो हमारी सुरीली ऐसे नहीं है कि बिना बात के किसी को पीट दे। अरे हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ा ही ना होता है हमारी कचौड़ी। क्या कहा तुमने, हम बिना बात के किसी को भी पीट देते हैं? देखो हमारे समोसा, खबरदार हम मुख समान के बात करो, नहीं तो हम नहीं तो तुम क्या नहीं तो हम नहीं तो तुम क्या तो हम ये सब सामान उठाकर
हाँ तो फेंक दो। अरे तुम चुप रहो मामा। अरे मामा मिर्चा सुतिलाल तुम लोग चुप रहो और ये सोचो कि जब उनके दूर के रिश्ते की बहन का मजाक उड़ाया गया तो ये बात ठाकुर साहब ने बर्दाश्त नहीं की और यहाँ तो उनके छोटे भाई को थप्पड़ मारा गया है, अब क्या होगा? मामा तुम्हें अभी जाके सुरली से बात करनी होगी और सारी बात का पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ मामा, अब तक तो ये बात सिंघाड़ा करके ठाकुर साहब को भी पता चल गई होगी। इतिहास ने खुद को दोहराया है मेरे भाई। हमारे पिताजी मानु प्रताप सिंह को हमारी अम्मा ने थप्पड़ मारा था तो उन्होंने उनसे शादी की और तुम्हारी भौजी ने हमको थप्पड़ मारा तो हमने उनसे शादी करी। देखो देखो तो थप्पड़ मार के कैसे शर्मा रही है। और आज तुमको भी एक लड़की ने थप्पड़ मारा है तो अब तुम्हारी शादी भी उसी से होगी। जय हो भैया। लेकिन अगर वो लड़की हमको थप्पड़ ना भी मारती ना तब भी हम उसी से शादी करते। लगे रहो। क्योंकि उसे पहली नजर में देखते ही हमारे मन को वो बहुत अच्छी लगी। पूरे एक साल में 70 लड़कियां दिखा चुके हैं इसको, एक भी फोटो पसंद नहीं आई। वो पसंद आई तो पड़ोस वाली। अरे तुम कहे शर्मा रही है? अच्छा ये बताओ कि वो लड़की है कौन? बड़े ठाकुर वो लड़की लापतागंज में रहती है। नाम पता? बड़े ठाकुर पता का तो पता नहीं लेकिन उका नाम पता है। उका नाम है सुरीली। अब पूछो कि हमने ये थप्पड़ तुमको काहे मारा? बड़े ठाकुर आप ही बता दीजिए ये थप्पड़ आपने हमें क्यों मारा? इसलिए कि तुमने सुरीली का नाम लिया। बड़े ठाकुर आप ही ने तो कहा था कि उका नाम बता। चुप! सिंघाड़ागंज के ठाकरों की होने वाली बहू है वो। उसका नाम नहीं बल्कि उसे छोटी मालकिन कह के बुलाओ क्योंकि ठाकरों की बहू और ठाकरों के सम्मान में कौनों तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूर दूर तक नाम है हमारे खानदान का। बच्चा बच्चा बड़ी इज्जत के साथ नाम लेता है ठाकुर भानु प्रताप सिंह का। भैया हमारी शादी उससे हो तो जाएगी ना? ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो मन में ठान लेते हैं सारी दुनिया उसे मान लेती है। अब तुम्हारी शादी सुरीली के साथ ही होगी। भैया अरे हाँ दीदी, पुदीना ने अपनी मेंढक जैसी आंखों से देखा था कि सुरीली ने ठाकुर के छोटे भाई को थप्पड़ मारा। सुरीली तुम बताओ तुमने ठाकुर के छोटे भाई को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा तुम्हें पता नहीं था कि वो ठाकुर का छोटा भाई है वरना तुम उसे नहीं मारते। क्या तुम्हें अगर पता होता कि वो ठाकुर का छोटा भाई है तो भी तुम उसे मारती? मैं
अरे सीटी तो पिताजी बजाते थे। आ चुप कराओ। अरे लेकिन ये बात अलग है कि बाद में उनकी सुताई भी होती थी। देखा, हमने कहा था ना कि सुरीले ऐसे किसी को नहीं मार सकती है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ सुरीले को देख करके सीटी मारने की। देखना अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो बैठा तो रहे ना, कहां पे हलवाई है। अरे तो थप्पड़ काहे नहीं दिया खींच के उसके गाल पे। शाबाश। अरे थप्पड़ तो खींच के मारा था, लेकिन मुकुंदी बाबू वो सिंगाड़ागंज के उसी ठाकुर भानु प्रताप सिंह का छोटा भाई था जिसकी दूर की रिश्ते की बहन का एलिजा ने मजाक उड़ाया था और उसने रिटायर भेज दिए थे सुताई करने के लिए। अच्छा तो सिंगाड़ागंज के ठाकुर भानु प्रताप सिंह का भाई था। हाँ जी जाजी, अब तो उसके छोटे भाई को थप्पड़ पड़ा हैंगे, हमको लगता है इस बार वो सारी फौज लेके आएगा। अरे तो आने दो ना फौज लेके, हम लापतागंज वासी भी कौन किसी से डरते नहीं है। अरे सुरीली हमारे गांव की बेटी है, अगर उसके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो पूरा गांव जवाब देगा। हाँ वो तो बीजी भैया यहाँ नहीं है, वरना अब तक वो सिंगाड़ागंज पहुँच चुके होते। अरे काश बीजी पांडे यहाँ होता तो जाता अपने पैरों पे, लेकिन आता खटिया पे लेट के। अरे ओ मामा, तुम उन लोगों की बड़ाई कर रहे हो जिनके भाई ने सुरीली के साथ छेड़खानी की है। अरे हम उनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो बीजी पांडे की बुराई कर रहे हैं। ए मां भी रहा। अरे देखा दीदी, बीजी पांडे का नाम आते ही सुरीली हम पर एकदम बिल्ली की तरह लपकी। बस बहुत हो गया, अब सुरीली की शादी कहीं जल्दी से कर दो। तू सही कह रहा है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसके हाथ पीले कर देंगे बस। अरे मौसी, यह बात चल रही है कि वो ठाकुर के भाई ने सुरीली को देख के सीटी मारी और सुरीली ने उसके भाई को थप्पड़ मारा, और तुम कहां यहां शादी ब्याह की बात लेकर के बैठ गई हो। का गलत कह रहे का मिर्चा, आज अगर सुरीली की शादी हो गई होती तो वो अपने पति के घर ससुराल में होती, तो किसी की हिम्मत होती उसे छेड़ने की। बताओ सुरीली का बापू यहाँ नहीं है तो लोग समझते हैं बिना बाप भाई की बेटी है, छेड़ लो, कौन आएगा क्या करे। मौसी आज तो ये बात कह ली, लेकिन आगे से ये बात कभी मत कहना कि सुरीली बिना बाप और भाई के लापतागंज में रह रही है। अरे हम अभी जिंदा हैं, सुरीली हमारी बहन है, हमारी बेटी जैसी है। अगर वो लोग आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, बात करेंगे उनसे कि उनके भाई ने सुरीली को सीटी बचाकर छेड़ा, इसीलिए सुरीली ने उनके भाई को थप्पड़ मारा। और अगर उनका भाई आगे किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ेगा तो वो ऐसे ही पिटेगा। आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे कौन आ गए? अरे सिंगाड़ागंज के ठाकुर भानु प्रताप। वो भी 8-10 लोगों के साथ। सुरीली तुम अंदर चलो और बाकी सब लोग हमारे साथ आओ, हम देखते हैं उनको। मैं तुम कहाँ जा रहे हो बे? चलो चलो हमारे संग चलो, सब लोग हम देखते हैं उनको। आओ चलो, जाना पड़ेगा। अब मैं चल। अच्छा अरे सुनो।
नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार मुकुंदी बाबू। तो वो लड़की आप ही के गांव की है जिसने हमारे छोटे भाई ज्ञानेन सिंह उर्फ ज्ञानू के गाल पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि इसका हाथ इसके गाल से अलग नहीं हो रहा। ठाकुर साहब, क्या आपने अपने छोटे भाई से पूछा कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप इनको ये इनाम मिला है? हमको पूछने का कौन जरूरत नहीं है, कहे कि हमका अच्छी तरह से पता है कि हमारा छोटा भाई ऐसी कौनो हरकत नहीं कर सकता जिससे कि कोई लड़की उसके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे लेकिन किसी लड़की को देख के सीटी बजाना ये ऐसी हरकत नहीं है कि उसकी पिटाई हो। अब वैसे पिटाई तो पिताजी की होती थी। देखा हाँ, तुमने छोटा भाई जो है हमारी बेटी को छेड़ दिया है। ऊपर से तुम लोग इतनी बड़ी फौज लेके आए हो, ये क्या बात हुई है? हाँ ठाकुर साहब, आपकी दूर के रिश्ते की बहन का हमने मजाक उड़ाया तो आपने अपने लठैत भेज के हमारी ऐसी सुताई करवाई कि अब तक दर्द हो रहा हैंगे। और अब जबकि आपके छोटे भाई ने हमारी बहन सुरीली को छेड़ा हैंगे तो आप बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए? लगता है तुम्हार सुताई अबे ढंग से नहीं हुई, थोड़ी और करवाए की जरूरत है। बार बार बोले जा रहे हो कि हमारे भाई ने लड़की को छेड़ा है जबकि हम कह रहे हैं कि उसने लड़की को नहीं छेड़ा है। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारे बहुत कहास लगी है, तुम हो कह डालो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, बोलो। हाँ बोलते हैं। देखिए ऐसा है, जितना आप अपने भाई को जानते हैं ना उतना हम सुरीली को जानते हैं। वो ऐसी लड़की है कि बिना बात पे किसी पे गुस्सा भी ना करे। अरे थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। और हम कह रहे हैं हम लल्लन जी PWD में काम करते हैं, कौन ऐसा वैसे आदमी नहीं है। हाँ नहीं तो। हाँ ठाकुर साहब, अरे सुरीली तो भोलेपन का भोपाल और नेकी का नैनीताल है। हाँ अरे बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ अरे शिमला की तरह सुशील और गुड़गांव की तरह गुणवान और हाँ कभी कभी तो नोएडा की तरह नटखट भी। हाँ बस फरीदाबाद की तरह फर्राटेदार नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद आप लोगों को ये लग रहा है कि हम आप लोगों से झगड़ा करने आए हैं कि सुरीली ने हमारे भाई को थप्पड़ क्यों मार दिया। ऐसा नहीं है, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो रिश्ता करने आए हैं। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे सुरीली और हमारे छोटे भाई ज्ञानेन सिंह उर्फ ज्ञानू का रिश्ता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.